आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सिमल आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तह तक। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक में आज चौथी बार वीएस येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल वजूभाई वाला ने येदुरप्पा को शपथ दिलाई। येदुरप्पा इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गौरतलब बात यह है कि वह कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। मोहनलालगंज मंडल के मीनापुर व कुशमौरा के सी ग्रेड बूथों पर आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान में पहुंचे लैगपेड चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता व बूथ पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मोहनलालगंज के संकट मोचन मंदिर वाले रास्ते पर पिछले कई हफ्तों से लगातार गंदा पानी भरा हुआ है। लोग पानी में चलकर जाने को मजबूर हैं। मंदिर के बगल में एक तालाब है जो भरा हुआ है, उसका पानी भी सड़कों पर आ रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में कई संक्रमित बीमारियों के फैलने की आशंका है। चले हैं अपना सीना तान, जो न बोले जय श्री राम, फिर दोस्त को कब्रिस्तान। जो न बोले जय श्री राम, फिर दोस्त को कब्रिस्तान। सोशल मीडिया पर गायक वरुण बहार का गाया हुआ यह गीत आजकल काफी लोकप्रिय हो गया है, जिसके चलते उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बोल एक विशेष समुदाय की ओर इशारा करते हैं। आज लखनऊ पुलिस ने इसके लेखक, गायक व अपलोड करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इन पर 153A/298 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज।